लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जोरदार बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। शुक्रवार की शाम 4 बजे जोरदार बारिश होने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। भारत मौसम विभाग की रांची शाखा ने 28.0 mm बारिश रिकॉर्ड की। तेज बारिश के पानी से कहीं घरों के अंदर पानी घुस गया तो कहीं सड़क तालाब में तब्दील हो गई। कडरू स्थित पुलटोली बस्ती के बीच जल जमाव के कारण बारिश का पानी स्थानीय लोगों के घरों में घुस गया। लोग छाता लेकर सड़क पर आ गए। रांची रेलवे स्टेशन व पटेल चौक के समीप व मेन रोड स्थित रमा नर्सिंग होम गली में बारिश का पानी भर गया। वाहन चालक डरते सहमते पानी के बीच से होकर गुजरते रहे। पैदल आवागमन करने वाले लोग अधिक परेशान हुए। कहीं सड़क की ऊंचाई अधिक होने के कारण बारिश का पानी निचले इलाकों में प्रवाहित होने लगा तो कहीं नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राहत के लिए नहीं उठाया जा रहा कारगर कदम। निगम की ओर से कुल 136 जल जमाव वाले इलाके चिन्हित किए जा चुके हैं, फिर भी जल जमाव से राहत के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बारिश से पूर्व हर वर्ष निगम के अधिकारी जल जमाव से राहत देने की योजनाएं करते हैं, लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले ही बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। समीक्षा बैठक के बाद शुरू हुई सफाई गुरुवार को शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समीक्षा के बाद नगर निगम नालियों की सफाई में जुट गया है। शुक्रवार को बनस तालाब के सामने जल जमाव वाले स्थल पर झाड़ियों की सफाई कराई गई। कांटाटोली स्थित बड़े नाला की सफाई JCB से कराई गई। सफाई के क्रम में नाले में पड़े कूड़े के ढेर को निकाला गया। किशोरी यादव चौक से नागा बाबा खट्टाल तक सड़क के किनारे से गंदगी व मिट्टी के ढेर हटाए गए। वार्ड 40 में सड़क पर बने गड्ढों को बिल्डिंग मटेरियल से भरा गया। बड़े नालों व नालियों की सफाई कराई गई है। अब जल जमाव वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। अभियंत्रण शाखा की टीम भी जांच कर रही है। कुछ स्थलों पर कलवर्ट व नाला निर्माण में तकनीकी खामियां भी हैं, जिन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी।